अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शुएब मंजूर और वर्ल्ड प्रेस के कंप्लीट कोर्स में खुश आमदीद कहता हूँ। सो हम अपनी जो डॉक्यूमेंट है कोर्स की, जो हमारा वेबसाइट का कोर्स चल रहा है, तो इस डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि हमें नेक्स्ट क्या चीज़ जो है वो हमें सीखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो है इसके हमने यहाँ पर इसका वर्ल्ड प्रेस इंस्टॉल कर लिया था और कुछ मुझे जो है कमेंट्स आ रहे थे कि वी डेस्क पैनल का आप जो है वो क्यों दिखा रहे थे अपने कोर्स के अंदर, क्योंकि हमने तो पीछे सारा कोर्स के ऊपर काम करना है। और इसके अलावा जो है मैंने ब्लू होस्ट का भी पैनल ओपन करके दिखाया। तो ये सारा कुछ ओपन करके दिखाने का मकसद सिर्फ एक है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि वी डेस्क पैनल होता क्या है और दूसरी चीज़ें क्या होती हैं। मतलब जस्ट इन चीज़ों से आपको आगाही देना है कि ये चीज़ें क्यों हैं, किस लिए हैं। क्योंकि कुछ कंपनीज़ जो हैं वो सी पैनल प्रोवाइड करती हैं, या कह सकते हैं 80% कंपनीज़ आपको सी पैनल प्रोवाइड करती हैं। अब 20% जो हैं वो दूसरे प्रोवाइड करती हैं। सो मैंने ये सारा कुछ कोर्स के अंदर इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि आप लोगों का दिमाग खुल जाए कि नेक्स्ट आपको क्या करना है, ठीक है। क्योंकि आप कोई मेरे अंडर रह कर काम नहीं कर रहे और ना ही मैंने आपको कोई लाइफ टाइम जो है सपोर्ट करना है। मैं आज आप लोगों के साथ हूँ, कल नहीं होगा तो कुछ पता नहीं है, ठीक है। इसलिए जो है ये सारा कुछ 100 कुछ पार्ट्स जो बनाने का मकसद है वो यही है कि आपका अपना दिमाग खुल जाए, आपको खुद पता हो कि आपने क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। इसकी एक अच्छी एग्जांपल ये है कि हमारा जो यूट्यूब कोर्स जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ था, जो पीछे थे, उसको देखने के बाद कोई बंदा ये नहीं कहता कि भाई शुएब भाई मैंने नेक्स्ट क्या करना है। उसको पता होता है कि मैंने नेक्स्ट क्या करना है, उसको खुद पता होता है, क्योंकि सारा कुछ तो इसके अंदर करके दिखाया होता है। अब वर्ल्ड प्रेस का जो है पार्ट नंबर 19, इसको जो है इंट्रो नाम दे देता हूँ, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो दे देते हैं इसको। सो इस वीडियो को जो है मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो का नाम दे दिया। इसके अंदर हम जस्ट देखते हैं कि वर्ल्ड प्रेस का क्या हमें इसको सीखने को मिलेगा और इसका जो डैशबोर्ड होता है उसके अंदर क्या ऑप्शंस मौजूद होती हैं और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने अपनी parkhost.host वेबसाइट को जो है वर्ल्ड प्रेस पर इंस्टॉल किया था। अब इसका /wp-admin टाइप करके मैं इसको लॉगिन करता हूँ। इसको हम लॉगिन करेंगे, इसका यूज़र नेम पासवर्ड मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ था, तो सिंपल मैं इसको जो है लॉगिन करूँगा और हम सीधा जो है वर्ल्ड प्रेस के डैशबोर्ड जो हमारा होता है उस पर हम आ जाते हैं। तो इसमें एक मज़े की बात ये है कि ये इनका जो वर्जन है इस टाइम चल रहा था 4.7.5, ठीक है, और ये अपडेट तो हो चुका है लेकिन यहाँ से हमें अगेन अपडेट करना पड़ेगा। अभी जब ये मैंने वर्ल्ड प्रेस इंस्टॉल किया तो तब इसका ओल्ड वर्जन था, ठीक है। ये इन्होंने अभी एक नई अपडेट दी है। तो सबसे पहले जो है हम इसका तारुफ बाद में करेंगे, सबसे पहले हम अपडेट्स में चले जाते हैं। यहाँ पर जब भी आप वर्ल्ड प्रेस के ऊपर काम कर रहे होगे, जो यहाँ पर अपडेट्स आती जाएंगी आपने क्या करना है, उन सारों को अपडेट करते जाना है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि ये एक प्लगइन है जो कि इसको इसकी अपडेट आ गई है, क्योंकि जिस तरह से आपकी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस होती हैं वो बार बार अपडेट होती रहती हैं क्योंकि उनके अंदर काफ़ी चेंजेस आती रहती हैं, उनको अपडेट करते हैं हम तो काफ़ी चेंज हो जाता है। लाइक फेसबुक की एप्लीकेशन होती है, उसको हम अपडेट करते हैं तो एक नई चीज़ आ जाती है। इसी तरह से वर्ल्ड प्रेस का भी होता है, ये बार बार अपडेट होता रहता है और जब अपडेट होता है तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें जो होती हैं वो आ जाती हैं। इसको हम अपडेट नाउ कर देते हैं और ये अपडेट हो जाए तो इसके बाद जो है इसका हम नेक्स्ट करते हैं। और जब अपडेट हो जाता है तो ये इसके अंदर बताते भी हैं कि हमने क्या इसके अंदर नई चेंजेस लेकर आए हैं। यह मुकम्मल एक वीडियो इनकी अवेलेबल होती है, इसको हम देखेंगे तो इसके अंदर ये सारा कुछ बता रहे होते हैं। और इसी तरह से आप लोगों ने जिन्होंने वर्ल्ड प्रेस इंस्टॉल किया हुआ, अगर आपकी अपडेट आई है तो आप कर सकते हो। इसी तरह से ये नीचे इन्होंने सारा बताया हुआ है। खैर, हमने ये अपडेट कर लिया, अपडेट्स इसके एंड हो गए तो हम वापस डैशबोर्ड के ऊपर आ जाते हैं। अब ये हमारे पास डैशबोर्ड आ गया, तो अभी तो हमारी साइट जो है वो बिल्कुल अनकम्प्लीट है, उसके ऊपर हमने कुछ भी नहीं किया। इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये आपके सामने साइट आ रही है, एक बिल्कुल खाका आ रहा है, एक तरह का कुछ भी नहीं है। अगर मैं चाहूँ कि इसको हमने इस तरह की वेबसाइट बनाना है तो क्या क्या हमारे माइंड में आएगा, ठीक है, कि ये सारा कुछ डिज़ाइनिंग आपको करनी पड़ती है एक एक चीज़ की, और थीम लगाना पड़ता है, फिर पोस्टिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमने करना है, तो अभी तो बिल्कुल खाली वेबसाइट है। तो इसका जो डैशबोर्ड है, यहाँ पर अगर हम पहले यहाँ पर ऑप्शन है इस पर आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर आपका यूज़र नेम आ रहा होता है, एडमिन जो भी है, ठीक है, आपका नाम आ रहा होता है।
यहाँ पर आपकी फ़ोटो आ रही होती है, जो आप इसके अंदर आगे चलकर हम पिक यूज़ करेंगे, जो हमारे वर्ल्ड प्रेस के किसी भी पोस्ट को हम ओपन करेंगे तो नीचे एक पिक शो हो रही होती है, जिसके अंदर आपको थोड़ा सा अबाउट आ रहा होता है कि एडमिन है, जिस एडमिन ने ये पोस्ट की है वो कौन है, तो और उसके साथ में पिक शो हो रही होती है, हम आगे चलकर यूज़ करेंगे। इसके अलावा आप यहाँ से एडिट माई प्रोफाइल कर सकते हो, ठीक है, ये हम आगे चलकर करते हैं, लेकिन मैं इसका थोड़ा सा आपको तारुफ करवा देता हूँ। यहाँ पर हमारी ये जो होती है, हम अपनी फेसबुक की आईडी वगैरह सारा कुछ जो होता है वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा पासवर्ड अगर हमने अपने वर्ल्ड प्रेस का चेंज करना है तो हमें एडिट माई प्रोफाइल में आकर हम यहाँ से पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शंस इसकी होगी। लास्ट इसकी होती है लॉग आउट। सिंपल, आपको पता है जिस तरह से फेसबुक लॉग इन लॉग आउट करते हैं तो उसी तरह से ये भी है, इसको लॉग आउट करेंगे तो ये आपका जो है कट हो जाएगा, अगेन आपको लॉग इन करना पड़ेगा। ये पहले आपकी ऑप्शन आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर न्यू की आ रही होती है। तो ये न्यू क्या होता है, ये एक ऊपर एक इसके टूल बार बनी हुई है, तो यहाँ पर न्यू करते हैं तो आप न्यू पोस्ट करेंगे, न्यू मीडिया करना चाहते हैं, मीडिया से मुराद है कोई फोटो वगैरह अपलोड करना चाहती हैं, कोई वीडियो अपलोड करना चाहती हैं अपने ये वर्ल्ड प्रेस वेबसाइट पर, कोई लिंक बनाना चाहते हैं, कोई पेज कर बनाना चाहते हैं, कोई यूज़र क्रिएट करना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि आपका जो वर्ल्ड प्रेस है इसके अंदर आप किसी को भी लाइक, जैसे आपका फेसबुक का पेज होता है उसके अंदर आप किसी और को एडिटर बना देते हो, किसी और को एडमिन बना देते हो, उसी तरह से आप अपने इस वर्ल्ड प्रेस वेबसाइट का भी किसी को एडमिन भी बना सकते हो, एडिटर भी बना सकते हो, और इसके अलावा जो अदर ऑप्शंस होती हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये न्यू की ऑप्शन इस तरह से होती है। जब अब आगे चलकर हम काम करेंगे तो यहाँ पर और काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ जाएंगे, लाइक कुछ प्लगइन्स को हम यूज़ करेंगे तो वो प्लगइन्स की ऑप्शंस यहाँ पर आ जाएंगी, कुछ की यहाँ पर आ जाएंगी, तो आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा जो है इसके अंदर चेंजेस होंगी। फिर डैशबोर्ड की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका मुकम्मल जो वर्ल्ड प्रेस एक साइट होती है उसका सारा आ रहा होता है, कि आपकी साइट के ऊपर जो है टोटल कितनी पोस्ट हो चुकी हैं वो यहाँ पर आ रही होती हैं। इसके अलावा टोटल पेजेस यहाँ पर आ चुके होते हैं, टोटल कमेंट्स जो होते हैं वो यहाँ पर आ रहे होते हैं। इसके अलावा जो आगे जाए तो यहाँ पर एक्टिविटी आती है, जिस तरह से एक्टिविटीज़ एक ही चीज़ हो जाती है, तो इसमें रिसेंटली जो आपने काम किया होता है, जो पोस्ट अपडेट वगैरह की होती है, तो वो सारा यहाँ पर आ रहा होता है कि किस डेट को आपने पोस्ट की थी। तो यहाँ पर 11 आ रही है कि 11 को लाइक हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था तो उसी दिन जो है उसने ये पोस्ट कर दी, तो यहाँ पर आपको जो है ना इसकी मालूमात मिल रही होती है। फिर यहाँ पर आ रहे होते हैं जो आपके नए नए कमेंट्स आ रहे होते हैं, वो कुछ 3-4 कमेंट्स यहाँ पर आ रहे होते हैं। फिर यहाँ से सारे कमेंट्स भी आप देख सकते हो, पेंडिंग पर भी हैं, अप्रूव्ड भी कर सकते हो उनको, क्योंकि कोई कमेंट होता है तो वो सीधा आपकी वेबसाइट के ऊपर कमेंट हो नहीं जाता, वो पहले आपके पास आता है, आपसे इजाज़त मांगता है कि इसको अप्रूव करना है या नहीं करना, आप उसको अप्रूव करते हो तो तब वो जो है कमेंट अप्रूव हो जाता है, आप कमेंट को एडिट भी कर सकते हो और उसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर सकते हो। इसके अलावा ये जो सारी ऑप्शंस हैं ये यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर कमेंट्स की ऑप्शन मौजूद है, यहाँ इसका जो है हम तफसील के साथ मुआयना भी करेंगे, और जिस तरह से डॉक्टर से एक पेशेंट का जो है मुआयना करते हैं उसी तरह से मतलब मुकम्मल इनका खुलासा करेंगे, ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। फिर यहाँ पर वर्ल्ड प्रेस न्यूज़ आ रही होती हैं, जो वर्ल्ड प्रेस के अंदर चेंजेस हो रही हैं वो सारी यहाँ पर न्यूज़ बता रहे होते हैं, ठीक है, और जैसे अभी इसका नया वर्जन आया तो इसकी अपडेट बता रहे हैं कि हमने नए वर्जन के अंदर क्या क्या चेंजेस किए हैं, ठीक है, कुछ ऐसी चेंजेस होती हैं वो बताते हैं कि आप अब हैकर्स जो लोग हैं उनसे महफूज रह सकते हो, हमने वर्ल्ड प्रेस के अंदर और मज़ीद ज़्यादा जो चेंजेस हैं वो कर दी हैं। इसके अलावा जो पीछे एक दो वर्जन छोड़कर जो पीछे वर्जन आया था उसके अंदर क्या हुआ था, उन्होंने जो वर्ल्ड प्रेस है इसको उर्दू में कर दिया था, ठीक है, ये पहले उर्दू में अवेलेबल नहीं था लेकिन अब ये वर्ल्ड प्रेस जो है उर्दू में भी हो चुका है। और इसके अलावा ये जो है, क्योंकि जब हमने वर्ल्ड प्रेस की साइट से डाउनलोड करने लगे तो वहाँ पर ऑप्शन आ रही थी कि वर्ल्ड प्रेस को उर्दू में भी डाउनलोड करना, तो आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो उर्दू वेबसाइट के लिए मोस्टली जो होता है वर्ल्ड प्रेस उर्दू वाला यूज़ होता है, तो हम आगे चलकर उसको भी यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरह से हिंदी में भी होता है ये, और अदर कंट्रीज़ की जो लैंग्वेज है उनके अंदर भी ये होता है। तो ये वर्ल्ड प्रेस का जो गया मुकम्मल डैशबोर्ड है इसका, जिसका मैंने आपको तारुफ करवाया है, ठीक है, ये इसकी मतलब के सारी चेंजेस आ रही होती हैं, और यहाँ पर जो है हम किसी चीज़ को उठाकर ऊपर नीचे भी काट सकते हैं। फिर जब हम आगे चलकर अभी पोस्टिंग करेंगे, क्योंकि हमारी साइट टोटली खाली है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर जैसे जैसे हम चीज़ें अपलोड करते जाएंगे तो इसमें मज़ीद चेंजेस आती जाएंगी। फिर यहाँ पर स्क्रीन ऑप्शन की मौजूद होती है, यहाँ पर वेलकम भी हम कर सकते हैं,
तो ये वाली अगर आपने ऑप्शन आपकी ऑन नहीं है तो इसको लाजमी ऑन करें, ठीक है। इसके ऊपर टिक करके आपने ये आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर आ रहा होता है कि वेलकम टू वर्ल्ड प्रेस, ठीक है। तो ये सारी ऑप्शंस जो हैं, व्यू जो साइट साइट देखनी है आपने, तो इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपनी साइट भी देख सकते हो, बाकी यहाँ से भी आप अपनी साइट देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर फिर वही कमेंट वाली ऑप्शन आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर ये वर्ल्ड प्रेस वालों का अपना कुछ आ रहा होता है कि उनको फीडबैक आप देना चाहते हैं, फला फला फला, ठीक है। तो इसी तरह से ये कुछ अदर ऑप्शंस आ रही होती हैं। तो खैर हमारा इन पर ज़्यादा काम नहीं है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं, तो उसमें हम आगे ये जो है सारे ऑप्शंस इनका तफसील के साथ करते हैं। देन जो है हम पोस्टिंग करेंगे, वेबसाइट एक मुकम्मल बनाएंगे, देन आगे चलकर जो है हम इसके ऊपर थीम्स अपलोड करेंगे और थीम्स की मुकम्मल सेटिंग करेंगे, जिस तरह से ये सेटिंग्स सारी की गई हैं, ठीक है। मेरी कोशिश है कि आपको 8-10 थीम्स जो हैं वो एडिट करने सिखाऊं, ताकि उसके बाद जो है कोई भी अगर नया थीम होता है तो आप इजीली उसको ओपन करके जो है मतलब कि थीम को डाउनलोड करें और अपलोड करके जो है आप कर सकते हो। इसके अलावा आपके माइंड में आगे चलकर जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि थीम्स कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि ये पेड थीम होते हैं, ये वो फला फला, तो इन सारी चीज़ों का आपने छोड़ देना है। सारे थीम्स जो है हम फ्री में ही डाउनलोड करना सीखेंगे, ठीक है, और हर चीज़ जो है आपको फ्री में मिलेगी। सो इन सारी झंझट में नहीं जाना। तो जैसे जैसे आप वीडियोस वॉच कर रहे हो तो आपको सारा कुछ इसमें जो है मिलता जाएगा। तो शुएब मंजूर को इजाज़त दें, इंशाल्लाह जो है वर्ल्ड प्रेस के फर्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।